प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मिनिस्टर तो बड़े आराम से बन सकते थे। अफसोस है कि इस देश में जो पिछले 10 साल से हो रहा है वो तोड़ रहा है। उसके बाद हमारा बहुत मजबूत संगठन खड़ा होने जा रहा है। दिनों दिन लगातार जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ सुखपाल सिंह खेरा जी मौजूद हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी पहुंचे, वहां भी लोगों ने बहुत लोग उसमें जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आप क्या कैसे देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने प्रारंभ की है? तो देखिए, बहुत बहुत पॉजिटिव प्रोग्राम है। कोई भी प्रोग्राम जब पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन जमीन के ऊपर जाकर के जो लोग हैं उनकी बात कहते हैं करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना है। ये कहने में और करने में बहुत अंतर है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सफ़र करना, पैदल चलना 3500 किलोमीटर, इसमें बहुत कमिटमेंट चाहिए, बहुत दृढ़ता, बहुत दृढ़ इरादा चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी एक बहुत कमिटेड पर्सन है। ठीक है, बीजेपी ने उनका, उनके आईटी सेल्स ने उनको इस तरह बीच बीच में से चीज़ें एडिट करके उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन वो अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनली द ट्रूथ प्रिवेल्स, अंत में सच की ही जीत होती है। और राहुल गांधी एक सच्चे मन से हमारे देश में वो काम कर रहे हैं। अगर वो सत्ता के का लालच होता तो 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट में कुछ भी बन सकते थे, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, मिनिस्टर तो बड़े आराम से बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सारी बातें छोड़ करके अपने देश के लिए, अपने देश के युवा लोगों के लिए काम करने का जो उठाया है, जो जिम्मेवारी है, वो उसमें एक दिन 100% कामयाब हों। बिकॉज आई पर्सन आई मेट हिम मेनी टाइम्स, इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान है और सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो ओरिजिनल एजेंडा है ऑफ कंप्लीट सेक्युलरिज्म, उसमें बिलीव करते हैं। उनके मन में किसी जात पात, किसी धर्म के खिलाफ किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं, तो अच्छे इंसान हैं। ये यात्रा जो है इसको, ये कांग्रेस को डेफिनेटली स्ट्रेंथन करेगी। अभी जिस प्रकार से आप किसान मोर्चा के सेल के अध्यक्ष भी हैं, उससे आप काफ़ी लंबे वक्त से देख भी रहे हैं, और तो 5 साल वो ये सत्र चालू हो गया अपन जीवन, तो क्या आप संगठन कैसे बना रहे हैं पूरे देश के? अभी हम बस क्योंकि एक तो ये यात्रा के करके हमने थोड़ा सा इसको बदहोल किया था, शॉर्टली हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने कल राहुल जी से पर्सनली जो करने वाली चीज़ें हैं किसान कांग्रेस को, क्योंकि किसान और खेत मजदूर ये इस देश का, अगर हम बोल दें कि ग्रामीण इलाकों में 60-70% लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस खेती से जुड़े हुए हैं और खेती से कनेक्टेड खेत मजदूर हैं, तो इनको अहमियत ना सिर्फ एक पार्टी में, देश के एजेंडे में इसको अहमियत देनी, इसको देखिए आज क्या हो रहा है कि भारत अर्बनाइजेशन की तरफ भाग रहा है, शहरों की तरफ भाग रहा है सर, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो कुछ तरक्की हो रही है वो मोटी मोटी शहरों में हो, तो जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव में रहते हैं लोग, वो भी अपने बच्चों के लिए, बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, सब शहर की तरफ आ गए। अगर सारा भारत शहर या शहर वाला बन जाएगा तो फिर गांव में कौन करेगा, खेती कौन करेगा? और ये गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, इसके एग्रीकल्चर डजंट सीम टू बी ऑन द एजेंडा, ये कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। अभी पार्लियामेंट में बताया गया कि पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया सिर्फ कॉरपोरेट घरानों का राइट ऑफ किया है लोन। तो किसान जो है, मैं पंजाब का उदाहरण देता हूँ, वहाँ 1 लाख करोड़ का कर्जा ही है पंजाब का किसान, ऐसे सारे देश में है, और छोटा छोटा कर्जा है 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख, और उसकी वजह से आत्महत्या कर रहा है। उनका कर्जा माफ करना चाहिए जो करोड़ों लोगों का कर्जा है, या सिर्फ कुछ सैकड़े लोग या कुछ दर्जन लोग जो कॉरपोरेट घराने हैं, एक एक घर का जैसे 5-5 हज़ार करोड़ रुपया माफ हुआ है, जैसे अडानी जैसे लोगों का, अंबानी जैसे लोगों का, तो ये बताता है कि बीजेपी का एग्रीकल्चर सेक्टर, किसान और खेत मजदूर उनके एजेंडे के ऊपर है। तो इसको एजेंडे के ऊपर लेकर आना, ये जो 2024 की पार्लियामेंट होगी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट दैट दिस कांग्रेस इज फोकसिंग ऑन द रूरल एजेंडा एंड द एजेंडा ऑफ द फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स। आप देख रहे हैं राजनीति में भी आपका बड़ा योगदान, हर जगह आप दिखते हैं, तो जैसे हिमाचल में और इधर आपके गुजरात में जो चुनाव, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है वहाँ कांग्रेस का? एज फार एज हिमाचल, क्योंकि हमारी पंजाब की नेबरिंग स्टेट है, कांग्रेस डेफिनेटली जीतेगी। कुछ भी सर्वे बोलते जाएं, आप सारा मैनिपुलेट होता है, आपको मालूम है।
लेकिन बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, चार की चार पार्लियामेंट सीट हम जीते कांग्रेस एंड वी विल विन। गुजरात हमसे दूर होने के कारण हमको लगता है कि वहाँ पर जो बीजेपी है वो आप देखेंगे कि वो केजरीवाल की पार्टी को प्रोजेक्शन दे रही है कि कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी बोर्ड जो है वो गुजरात में बट जाए। लेकिन मैं गुजरात अभी जाएंगे भी, लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इसका छह महीने तो किसी की नहीं दिख रही है, इसका छह महीने का काम केजरीवाल आम आदमी पार्टी का पंजाब में, इसके इतनी बेईमानी की है, इतना झूठ बोला है कि पहले तीन महीने में ही पार्लियामेंट की संगरूर जो गढ़ था भगवंत मान का वहीं से हार गए और इतना झूठ प्रचार किया। अखबार इश्तियारों की पार्टी बन के रह गई है, वहां कुछ नहीं हुआ, वो वहां लोग हर वर्ग के लोग धरनों के ऊपर बैठे हैं फर्स्ट सिक्स मंथ्स में। तो ये बातें गुजरात के वोटर्स को पता होना चाहिए, इनको वोट डालना जैसे बीजेपी की बीटिंग को वोट डालना एक बराबर है। वहां पर कांग्रेस को वोट, बहुत साल से कांग्रेस जो है वो ऑपोजिशन में, वहां चेंज ला करके अपनी स्टेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये सारा प्रचार वहां जाकर के भी करें। अंतिम सवाल मेरा कि जिस प्रकार से अभी चुनाव चल रहा है हर जगह, अब कांग्रेस का एक अपना चुनाव है जो कि अध्यक्ष पद के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जिसमें खड़गे साहब और थरूर जी दोनों ही आपके सामने हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप मेरे को बताएं कि इस देश में और कितनी पार्टियां हैं जो इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी देती हैं, और 17 को इलेक्शन हो जाएंगे, मैं डेलीगेट हूँ PCC का, हमारे को किसी तरह का कोई मैसेज नहीं है, हम अपनी वोट फेयरली डालेंगे और जो भी चुनाव होगा ये हमारा इनर पार्टी एक मसला है और डेमोक्रेटिक एक तरीका है। और जो बीजेपी या दूसरी पार्टियां बोलती हैं जैसे परिवारवाद की बात होती है उनके मुंह पर चपेट। सामने दीपावली है, देश के लोग गांव के लिए क्या कहते हैं आप? सबको मुबारकबाद है जी, बहुत अच्छा त्यौहार है और ये त्यौहार या जितने भी हमारे त्यौहार हैं इस देश में वो सब जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की कोई बात नहीं करते। लेकिन अफसोस है कि इस देश में जो पिछले 10 साल से हो रहा है वो तोड़ रहा है, तभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल गए हैं राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित भारद्वाज, बहुत सी गुरुराम से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, कैसे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि कांग्रेस मुक्त भारत, आज भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देख, क्या मुक्त हो रही है या फिर लोग वाग जुड़ रहे हैं? देखिए, भाजपा के कहने से कुछ नहीं होता, आज सभी लोग बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी को बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं। और आप देखिए, हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उस पे आप दिनों दिन लगातार जन सैलाब उमड़ के आ रहा है हमारे नेता राहुल गांधी के साथ। और हमारा जो मोटिव है, हमारा जो उद्देश्य है, वो आज जो देश को बांटने का काम जो बीजेपी सरकार कर रही है उसको ख़त्म करके हम लोगों को बिना किसी भेदभाव के लोगों को जोड़ने का काम ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। संगठन की बात चल रही है हर जगह, तो आज किसान मजदूर संगठन कैसा है हरियाणा के अंदर, जिसमें आप पहले भी महासचिव रह चुके हैं? नहीं, बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा संगठन बनने जा रहा है हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। देखिए, पहली दफ़ा किसी, आप ये देखिए, किसी और पार्टी में ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो इस डेमोक्रेसी के तहत, तो ऐसा नहीं है। अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है, उसके बाद हमारा बहुत मजबूत संगठन खड़ा होने जा रहा है प्रदेश के लेवल पे, जिले के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और बहुत ही मजबूत संगठन के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और बहुत मजबूत सरकार बनाने जाएंगे 2024 में। कैसे दिख रहे हैं आदमपुर चुनाव को, आपके सामने हरियाणा में चुनाव है उपचुनाव, उसमें कांग्रेस किस स्थान पर? कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और हर जगह हम अपने जो पंचायत सदस्य हैं और सरपंच हैं वो हम जीत के आएंगे उसमें बहुत मजबूती के साथ। गुरुराम फरीदाबाद मानेसर निगम चुनाव सामने है, उसको कैसे देखते हैं निगम चुनाव में, क्या इस बार आपकी भी कोई तैयारी है? निगम चुनाव को लेकर हमारी पार्टी की भरपूर तैयारी है और जैसा कि मेरे सुनने में आया है कि पार्टी इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है निगम के अंदर, और पहले की अपेक्षा आज हम सिंबल पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी के बहुत से हमारे सदस्य निगम का चुनाव लड़कर और आएंगे और निगम चुनाएंगे।
आज आप आपके किसान मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन से आप मुलाकात हुई, क्या लगता है क्या आगे तैयारियां हैं? आपने उनको बधाई या शुभकामनाएं दी? नहीं, आज एक्चुअली हमारे जो किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री सुखपाल सिंह खेरा जी का आने का प्रोग्राम था दिल्ली, तो दिवाली की शुभकामनाएं देने का एक औपचारिक मुलाकात थी और कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, दिवाली को लेकर शुभकामनाओं की बात हुई। और अभी रिसेंटली वो कल राहुल गांधी जी के साथ कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर आए हैं, तो वही हम बस डिस्कस कर रहे थे कि कैसी, तो बहुत अच्छी यात्रा जो है बता रहे थे कि लोगों का जो जुड़ाव हमारे पार्टी के साथ जो है दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। आप भी पहुँचेंगे? हाँ, अगर मेरे को पार्टी का आदेश होगा तो मैं बिल्कुल पहुँचूंगा। पार्टी का आदेश आपको जाना चाहिए अपने से? नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो प्रोग्राम बना ही रहा हूँ। अच्छा, बाकी लेकिन ऐसा है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, तो जैसे पार्टी का जैसा भी आदेश होगा तो हम उसके तहत वहाँ पहुँचेंगे। और ये सौभाग्य की बात है कि हम राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। हमारे साथ अमित भारद्वाज भौंडसी गुरुराम से मौजूद हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि किसान मोर्चा हरियाणा के अंदर मजबूती से खड़ा हुआ है और आगे भी जैसे ही हमारे अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है उसके बाद पूरे देश के अंदर कांग्रेस एक नया रूप में, नई कांग्रेस एक देखने को मिलेगी और नया कार्य लोगों की कार्य करने की एक अपनी क्षमता होगी, जिस प्रकार से बताया जा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा निगम चुनाव को लेकर अभी तैयारियां जारी हैं, हो सकता है कांग्रेस अगर इनको कोई जिम्मेदारी देती है तो ये चुनाव भी लड़ सकते हैं निगम चुनाव का।